सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। पापा, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मेरे अंदर एक कमी है। जब तक मुझे कोई भूत चुड़ैल की कहानी नहीं सुनाता, मुझे नींद नहीं आती है। पता नहीं ऐसा क्यों है। बेटा, मार मार के भूत बना दूंगा। अगर नींद नहीं आ रही है, उठ, पढ़ाई कर, उठ। पढ़ाई? बहुत तेज नींद आ रही है, आ सो जाता हूँ। सुनो जी, गुस्सा मत करो, मुझे एक बात पूछनी है, फिर मैं सो जाऊंगी। मैं कैसी हूँ, सुंदर हूँ या फिर बेकार? कैसी हूँ मैं, बता दो यार, एक बार बस बता दो। तू बहुत सुंदर है, सो जा। सुनो जी, एक बार और बता दो, कितनी सुंदर, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बता दो कितनी सुंदर। अरे बहुत सुंदर है। बहुत कितनी? इतनी सुंदर कि मन करता है तेरी जैसी 3-4 लड़कियों से शादी कर लूं। सो जा। हाँ हाँ कर लो। 3-4 क्यों, 5-10 लड़कियों से शादी करो। जो सर में 4 बाल बचे हैं ना, ये भी नहीं रहेंगे, याद रखना। फिर पापा को सब कहेंगे, ओए टकला टकला, ए टकला टकला। अबे चुप, सो जा। मेरी जैसी सीधी साथी कोई नहीं मिलेगी। ओ माँ, ओ माँ, पागल हो गई है क्या तू? सो जा। आधी रात को वाह वाह क्या लगा रखी है, सो। अरे अरे गुस्सा मत करो, सो जाती हूँ, ठीक है। सुनो जी, एक बार और बता दो, मैं कैसी हूँ, सुंदर हूँ या फिर बेकार? सो जा। मेरा अगर दिमाग खराब हो गया, मैं पापा, आजकल आप छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, आजकल बहुत गुस्सा करने लगे हो। गुस्सा कर करके कितने कमजोर हो गए हो, शकल भी जोकर जैसी हो गई है। गुस्सा कर करके सर के सारे बाल झड़ गए हैं, केवल 4 बाल बचे हैं। 4 नहीं, ज्यादा बाल बचे हैं, मैं गिनकर देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पागल हो गया है क्या तू? हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं मेरे घर में, सोने भी नहीं देते। सर में दर्द हो रहा है। ओह, सर दर्द हो रहा है, मैं दबा देता हूँ। दबा बेटा दबा, अपने पापा का सर दबा। पापा का सर दर्द क्या हुआ? आधी रात में उठकर पापा का सर दबाने लगा। वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तेरे जैसा, धन्य है वो माँ, मतलब मैं, जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया। पापा सोचो, अगर मैं नहीं होता तो आपका सर कौन दबाता? बेटा तू नहीं होता, मेरा सर दर्द भी नहीं होता। तुम दोनों की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। दिन भर ऑफिस में मालिक नहीं सोने देता और घर में ये नहीं सोने देते। करूँ तो क्या करूँ, अब मर जाऊँ? मरे आपके दुश्मन, आप क्यों मरोगे? सो जा। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा खोपड़ी सीधी करने के लिए। चुप, हट हट हट, सो नहीं सकता। जैसी माँ वैसा बेटा, सो। जैसी माँ वैसा बेटा क्या मतलब है? बिट्टू आप पर गया है, बिल्कुल आपके जैसा है। मैं बिल्कुल पापा जैसा हूँ। वो कैसे? बचपन में तेरे पापा तेरी तरह नंगा घूमा करते थे। तू तो कच्छा पहनता है, तेरे पापा बचपन में वो भी नहीं पहनते थे। अबे चुप। सोजा सोजा, वरना तेरे पापा अभी ऐसा करेंगे। सो नहीं सकता, पागल हो गया है क्या, दिमाग खराब हो गया क्या? या यू हट फुट ए वो वा ई वो वा वे वी ओ आई ए ओ। चुप, पागल हो गई है क्या तू? सोजा। ये देख मैंने क्या बोला, ऐसा करेंगे। कैसे कैसे फनी लोग रहते हैं हमारे घर में। सोजा सोजा, मैं भी सो जाती हूँ। सो गए, बहुत मुश्किल से सोए। परेशान कर दिया इन दोनों ने। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। अजी सुनते हो? नहीं सुनता, कान फूट गए हैं मेरे, मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। क्या हुआ कान में? कान में थोड़ा तेल डाल दूँ, फिर सब सुनाई देगा। थोड़ा सा तेल,
कान चकाचक हो जाएंगे। थोड़ा सा तेल डाल दूं, डाल दूं। चुप चुप चुप, ये सोने नहीं देंगे। सो जा वरना तेरे पापा आज पागल हो जाएंगे। हाँ हाँ सो जाता हूँ। मम्मी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है बेटा, अगर गर्मी हो रही है तो टांग फैला के सो जा, आराम से टांग फैला के सो जा, थोड़ी हवा आएगी तो फिर गर्मी नहीं होगी। हाँ हाँ टांग फैला के सो जाता हूँ। पापा थोड़ा खिसको। कहाँ खिसकूं, तेरी खोपड़ी में। अरे थोड़ा खिसक जाओ, इसको गर्मी हो रही है, बच्चा ही तो है। ये ले थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। अरे ये ले बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। ये ले ओए ओए। चुप चुप चुप, सो जा, टांग फैला के सो जा। मैं नीचे जमीन में सो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम दोनों की जरा सी आवाज आई मैं तुम दोनों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। परेशान कर दिया है। अरे वहाँ नीचे क्यों सो रहे हो, यहाँ पर सो जाओ। जब वहाँ सोने देगी तभी तो सोऊंगा। परेशान कर दिया, सो जा, मुझे सोने दे। गुस्सा तो हमेशा नाक में रहता है, जहाँ सोना है सो जाओ। मेरी सुनता कौन है इस घर में, ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे रोड से उठा के लाए हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, इससे अच्छा तो कुंवारी रहती, अपने घर में रहती, फिर ये नहीं कहते मुझे नींद आ रही है, फिर कहते हेलो मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझसे बातें कर, मुझे नींद नहीं आती तेरे बिना। कहाँ फंस गई शादी करके, कभी झाड़ू कभी पोछा कभी बच्चे कभी। अरे चुप हो जा। ये सोने नहीं देंगे आज मुझे, क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं बाथरूम में सो जाता हूँ। तुम दोनों रात भर बकबक करते रहना, लेकिन अगर तुम दोनों सुबह जल्दी नहीं उठे मैं फिर बताऊंगा। यहाँ पर आराम से सो जाता हूँ। कैसे कैसे दिन आ गए, शौचालय में सोना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आराम से सो जाता हूँ, कोई आवाज नहीं। मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पापा वहाँ बाथरूम में अकेले सो गए हैं, उनको वहाँ अकेले डर लग रहा होगा, मैं उनके साथ सो जाऊं। कितना दर्द है अपने पापा का। वाह बेटा वाह, वाह बेटा हो तो तेरे जैसा, वाह बेटा वाह, जा 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 जा। पापा थोड़ा खिसको। तू यहाँ भी आ गया। पापा छोड़ दो। अरे गलती हो गई, गलती हो गई।